मेरा नाम चंदो है। मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। मैं अपने ताऊजी के घर रहती थी और मेरी ताई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसकी अपनी बेटियां मेरे मुकाबले कम खूबसूरत थी। उसको डर लगता था कि कहीं मेरी खूबसूरती की वजह से उनकी बेटियों के रिश्ते ना हों या उनकी बेटियों को रिजेक्ट कर दिया जाए। और वो ये भी नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो, वो तो इतना ही चाहती थी कि मैं हमेशा परेशान रहूं, क्योंकि मेरी माँ का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं था। मेरी माँ ने भी तो सारी जिंदगी उनको नीचा ही दिखाया था, लेकिन अब मेरी माँ इस दुनिया से चली गई थी और वो मुझसे बदला लेना चाहती थी और चाहती थी कि मैं कभी भी खुश न रहूं। वो जल्द से जल्द मुझे घर से निकालना चाहती थी। जब मेरे लिए एक रिश्ता आया, मेरे लिए दुनिया का कोई भी रिश्ता आता, मेरी ताई ने कभी भी मेरी शादी नहीं करनी थी, लेकिन उस रिश्ते के बारे में सुनकर ही ऐसा लग रहा था कि वहां पर कर देगी। दरअसल मेरे पिता के रिश्तेदारों में एक आदमी था जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। हालांकि वो मुझसे उम्र में काफी बड़ा था, तकरीबन मेरे पिता की उम्र का ही था, इसीलिए जब भी वो आता था तो मैं उसे चाचा कहकर पुकारती थी। वो आदमी बहुत ही ज्यादा बदनाम था। किसी जमाने में ये अपने खानदान में सबसे धनी व्यक्ति था, लेकिन उसने सारा कुछ जुए और शराब में उड़ा दिया और सब कुछ खत्म हो गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं था। पता नहीं वो क्या काम करता था, ये भी कोई नहीं जानता था। उसके पास अपना घर तक नहीं था, यहाँ तक कि उसके सारे खानदान वालों ने भी उसका बायकॉट किया हुआ था। मैं भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसने अपने लिए मेरे रिश्ते की बात क्यों की। न जाने उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने रिश्ते की बात कर दी। मेरे ताऊजी भी उसे कोई अच्छा इंसान नहीं समझते थे, पर वो खुद भी कोई रहमदिल इंसान नहीं थे। उन्होंने भी कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा था। वो हमेशा अपनी पत्नी की बातों में आ जाते थे, लेकिन इस बात पर उन्होंने इतना जरूर कहा कि ये तो बिन जोड़ का रिश्ता है, हम उससे इसकी शादी नहीं करवाएंगे। पर मेरी चाची का कहना था कि कोई बिन जोड़ रिश्ता नहीं है, जान पहचान से बाहर रिश्ता करना बड़ी मुश्किल बात होती है। गहरों को बेटियां देना कोई आसान काम है, फिक्री पड़ी रहती है सारी जिंदगी कि उनके साथ न जाने क्या हो रहा होगा। और उस इंसान को तो हम सब जानते हैं, वो तो हमारा जान पहचान का है, मेरा भी दूर का रिश्तेदार लगता है और आपका भी। हमारा उसके साथ कोई गहरा रिश्ता है, अगर हम चंदो की शादी उससे कर देते हैं तो वो भी हमारे करीब रहेगी। और वैसे भी आप खुद सोचें कि हमारे पास चंदो को देने के लिए दहेज नहीं है। जान पहचान में चंदो की उम्र का और कोई भी लड़का नहीं है। अगर इसका रिश्ता यहाँ नहीं किया तो कहीं और करना पड़ेगा, और अब इसकी उम्र शादी की हो गई है। अगर आप यहाँ इसकी शादी नहीं करेंगे तो फिर कहीं और करनी पड़ेगी। क्या आपके पास इसको देने के लिए दहेज है? मेरी ताई ने मेरे ताऊजी की दुखती रग पर हाथ रखा था। उनके पास मेरे लिए दहेज कहाँ से आता, आजकल तो अपनी बेटी के लिए भी दहेज बनाना मुश्किल होता है। उन्होंने कहा कि देख लो फिर तुम, जैसा तुमको सही लगता है। वैसे उम्र का काफी फर्क है, मेरी ताई जी का कहना था कि इतना भी फर्क नहीं है, 15 से 17 साल का कोई फर्क नहीं होता, 10 साल का तो मेरा आपके साथ भी फर्क है, तो क्या मैं आपका घर बसा कर नहीं बैठी हूँ? तो मेरे ताऊजी की बोलती बंद हो गई और उन्होंने सारे मामलात मेरी ताई के हाथ में दे दिए और कहा कि जो तुम्हें बेहतर लगता है कर लो, थोड़े बहुत पैसे ही हैं मैं दे सकता हूँ वो दे दूंगा, बाकी उसकी माँ के कुछ सोने के जेवरात पड़े हुए हैं वो भी उसको दे देना क्योंकि उसका हक है। मेरी ताई ने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। मेरा रिश्ता हो गया, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि मुझे कुछ बताया ही नहीं गया, बस कह दिया कि तुम्हारी शादी करवा रहे हैं और वो भी अशोक के साथ। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है तो अपनी तैयारी कर लो, थोड़े बहुत पैसे मैं तुम्हें दे दूंगी, कोई चीज चाहिए तो उसके बारे में भी बता देना। शादी की छोटी सी रस्म थी, खानदान वालों में से किसी ने भी विरोध नहीं किया क्योंकि मैं वैसे ही अनाथ थी। बस्ती के रहने वाले मेरे पिताजी के एक दोस्त थे जिन्होंने बात की, तो मेरी ताई ने उनको कह दिया कि फिर तुम अपने बेटे से उसकी शादी करवा दो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि उनकी पत्नी को भी ऐसी लड़की चाहिए थी जो ढेर सारा दहेज लेकर आए और मेरे आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए वो भी खामोश हो गए। शादी की रस्म का दिन आ गया। जब मैंने अशोक को देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने जब उसे पहले देखा था तो ये अब से कई गुना ज्यादा बेहतर हालत में था, लेकिन अब तो ये बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लगता था कि जैसे ये अपनी उम्र से भी काफी ज्यादा बड़ा हो। उसकी और मेरी उम्र में 15 साल का फर्क था, शक्ल से ही बीमार लग रहा था,
लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये इससे भी ज्यादा बड़ा है। पर अब शादी का दिन आ गया था, अब भला मैं क्या बोल सकती थी। मेरी उसके साथ शादी करवा दी गई और वो मुझे अपने घर ले गया। जब मैं उसके घर में दाखिल हुई तो उसका घर भी बहुत ही ज्यादा गंदा था। वह अकेला रहता था, उसका घर किसने साफ करना था, लेकिन जरूरत से ज्यादा ही गंदा था। हर तरफ एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। उसने कहा कि अभी घर के बारे में नहीं सोचो, अभी तो तुम एक दिन की दुल्हन हो, बाद में आराम से ठीक कर लेना। वैसे बड़े अफसोस की बात है, तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए इस घर में कोई भी नहीं है। मैं खामोश थी। वो मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आने की कोशिश कर रहा था, बातों बातों में कह रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो मुझे बहुत तो खुश रखेगा, लेकिन मेरे दिल में अभी यही बात थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है और मेरी शादी इस मर्द से करवा दी गई है जिसको मैं पसंद तक नहीं करती हूँ, ना इसके साथ मेरा कोई जोड़ है। सारा खानदान हंस रहा था, कह रहा था कि जिस माँ की बेटी है उसके साथ बहुत अच्छा हुआ है, मेरी माँ ने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था। मेरी माँ भी मेरी तरह खूबसूरत थी और मेरी माँ का खूबसूरत और पढ़ा लिखा होना ही उसका जुर्म था, तभी लोग उनको घमंडी समझते थे। वो थोड़ी गुस्से वाली भी थी, लेकिन अगर उन्होंने किसी किस्म का कुछ बुरा किया भी था तो उसमें मेरा क्या कसूर था। मैं तो इस खानदान का खून थी, तो फिर सबको मेरे साथ इतनी नफरत क्यों थी। अशोक ने देखा कि मैं कहीं खोई हुई हूँ और उससे कोई बात नहीं कर रही हूँ, तो उसने कहा कि मेरे पास तुमको मुंह दिखाई में देने के लिए कोई तोहफा भी नहीं है, लेकिन ये सारा घर तुम्हारा है, इसकी एक एक चीज तुम्हारी है। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें खुश रखूं। मेरी तबीयत भी कुछ खराब है और तुम भी थकी हुई हो, इसलिए तुम आराम करो। फिर वो दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन शायद उसकी अपनी तबीयत कुछ खराब थी, इसलिए उसने मुझे भी माफ कर दिया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सारी रात रोती रही, सोचती रही कि आज मेरी माँ और बाप जिंदा होते तो मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि मैं अपनी राजकुमारी जैसी बेटी के लिए किसी राजकुमार का रिश्ता लेकर आऊंगा, और अब मेरे साथ ये क्या हो गया था। मैं सारी रात रोती रही और अपनी किस्मत को कोसती रही। मुझे अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मैं ईश्वर से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं करना चाहती थी। दिल में था कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद हो ही गई है तो मैं उससे अब क्या मांगू, मुझे तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। एक तरह से कहना तो नहीं चाहिए, पर मैं उस परमात्मा से भी नाराज हो गई थी कि इन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझसे मेरे माँ बाप भी छीन लिए, किसी ने कभी मेरी इज्जत नहीं की, मेरा ख्याल नहीं रखा। आखिरी उम्मीद थी कि शायद मेरी अगली जिंदगी अच्छी होगी, वो उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। सुबह हुई तो अशोक ने मेरे लिए नाश्ता बाहर से मंगवाया था। वो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी तबीयत खराब थी। हम खाना खाने बैठ गए तो वो अजीब तरह से हंसने लगा और उसकी हालत बुरी होने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि मैं बैठी रहती हूँ, मैं क्यों उठूं, ये कोई फिल्म तो नहीं चल रही कि हीरो की तबीयत खराब है तो हीरोइन बेचारी बेचैन हो जाए कि न जाने क्या हो गया है। लेकिन अब उसकी हालत ज्यादा खराब होने लगी तो मैं उठ गई और मैंने उसे कहा कि वो बैठ जाए। मैंने पानी दिया जो उसने पी लिया। उसने कहा कि माफ करना, मेरी तबीयत खराब है। मैंने कहा कि इलाज क्यों नहीं करवाते। उसने कहा कि आज ही डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। उसने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक रहूंगा तो सब ठीक रहेगा, आखिर अब मुझे तुम्हारा ख्याल भी रखना है, मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे उसकी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, पता नहीं वो इस तरह की बातें क्यों कर रहा था। खैर, मैंने उसे इतना ही कहा कि डॉक्टर के पास जाए। जब वो घर से चला गया तो मैंने घर को साफ करने के बारे में सोचा। न सिर्फ ये घर बहुत गंदा था, बल्कि इस घर में तो राशन भी नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि इस घर में तो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें भी नहीं थी। मैं कहाँ आ गई थी। मैंने लिस्ट बना दी कि अशोक को दूंगी। जब वो डॉक्टर के पास से वापस आया तो मैंने उसे कहा कि इस घर में तो कुछ भी नहीं है, ये जरूरत की चीजें हैं, मैंने सारी चीजें इसमें लिख दी है, आप ले आए, वरना इस घर में खाना नहीं पकेगा। आज का खाना तो मैं साथ लेकर आया हूँ, उसने कहा और लिस्ट की तरफ देखा और कहा कि वैसे मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैं कहने लगी कि अगर पैसे नहीं थे तो शादी क्यों की थी। उसने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, तुम ये खाना लगाओ, और घर को तुमने बिल्कुल साफ कर दिया है। अजीब बात है, उस इंसान के बारे में सारी जिंदगी यही सुना था कि एक लड़की बाज है और बस चरित्रहीन इंसान है, अपनी जवानी में न जाने कितनी लड़कियों के साथ संबंध बनाया था और अपनी सारी दौलत उन्हीं लड़कियों के ऊपर लुटाकर खत्म की है,
लेकिन अब इसकी पत्नी इसके सामने थी और ये मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे मैं इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हूँ। और ये इतना ज्यादा इज्जत करता था कि जैसे मैं इस घर में कोई मेहमान हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका ये दोगला व्यवहार क्यों था। आखिर ये क्या साबित करना चाहता था? क्या ये अच्छा बनकर मेरा दिल जीतना चाहता था? लेकिन मुझे तो इसके बारे में पहले से ही पता था और ये कभी भी मेरा दिल नहीं जीत सकता था। रात हुई तो इसने कहा कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने मुझे दवाई दी है, पर उसने कहा है कि ये दवाई मुझे सिर्फ तुम ही दो, यानी तुमने ही ये दवाई मुझे अपने हाथों से देनी है, इसलिए तुम मुझे ये दवाई 3 टाइम दे दिया करना। मैंने उसके हाथ से दवाई का लिफाफा पकड़ लिया और कहा कि ठीक है, दे दिया करूंगी। दवाई देने में क्या बड़ी बात थी, पर मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो दूसरे कमरे में सोया करता था। मैं अपने कमरे में जाकर सुकून से सो जाती थी। इस घर में किसी का आना जाना भी नहीं था, लेकिन उसके खानदान में जल्द ही किसी की शादी होने वाली थी। उसने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, अगर तुम जाना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन रात को मुझे किसी चीज की आवाज आई। मैंने कहा कि पता नहीं कौन है। उसके कमरे में गई और दरवाजे की कुंडी बजाई कि वो जाकर पता करे कि बाहर कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया, लेकिन वो घर पर ही नहीं था। मैं सोचने लगी कि आखिर ये इस टाइम कहाँ गया है, इसको तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था। वो किसी से फोन पर बात भी किया करता था और मेरे अंदर भी उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पड़ोस में मेरी एक जानने वाली थी जिसके साथ मेरी यहाँ आने पर थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई थी, क्योंकि उसकी और मेरी कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। उसकी शादी भी बड़ी उम्र के आदमी के साथ हुई थी, वो भी शादी से खुश नहीं थी। मैंने उसे कुछ बताया तो उसने कहा कि देखो, अशोक को तो यहाँ पर सब जानते हैं, उसका हमेशा से ही किसी न किसी के साथ चक्कर रहता है और चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। हो सकता है उसने भी किसी के साथ चक्कर चलाया हुआ हो, वो उसी के साथ फोन पर बात करता हो और रातों में भी उसके घर जाकर रहता होगा। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की? मेरी दोस्त ने कहा कि शायद तुमसे इसलिए शादी की है ताकि तुम घर को संभाल सको। क्या वो तुमसे घर के काम नहीं करवाता? मैंने कहा कि हाँ, मैं तो सारा दिन घर के काम करती हूँ, उसका काम भी करती हूँ, उसको दवाई देती हूँ, उसके कपड़े धोती हूँ। मेरी दोस्त का कहना था कि शायद इसीलिए उसने तुमसे शादी की है, वो तुम्हें अपनी नौकरानी बनाकर रखे और तुम्हारे से काम करवा सके, लेकिन असल में उसकी जिंदगी में कोई और है। मैंने कहा मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म होना था? एक तो ये आदमी मुझे पसंद नहीं है, दूसरा ये उम्र में भी मुझसे ज्यादा है, और फिर इसके ये हालात हैं कि ये किसी और के साथ चक्कर चलाकर बैठा है और मुझसे शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। मैं अशोक से बहुत ज्यादा गुस्सा रहने लगी थी और सारे खानदान में मेरा मजाक अलग बनता था। लोग कहते थे कि इसके साथ यही होना चाहिए था। मेरे अंदर बहुत गुस्सा भर गया था। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वो अक्सर रात को घर पर नहीं होता था और मेरे साथ तो उस तरह से पेश आ रहा था कि जैसे मेरे साथ उसका कोई संबंध ही नहीं है। मुझे शादीशुदा जिंदगी का भी कोई सुख नहीं मिल रहा था। ऐसा लगता था कि बस एक कमरे में सारी जिंदगी गुजर जाएगी। दिन भर घर के काम करती रहती थी और रात को कमरे में सुकून से सो जाती थी। उसके अलावा उसने मुझे इस घर में कोई सहूलियत भी नहीं दी हुई थी। थोड़ी बहुत चीजों से गुजारा करना पड़ता था। एक दिन हम खाना खाने बैठे तो सब्जी भी कम थी और रोटी भी एक ही थी। उसने मुझे कहा कि बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो, पर फिर अचानक से कहने लगा कि मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो, उसने कहा और वहां से जाने लगा। मैंने कहा कि इस सब की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि क्या मतलब है, वो वापस बैठ गया। मैंने कहा कि अभी तो कह रहे थे कि मुझे बहुत भूख लगी है, अब ये देख करके खाना कम है, खुद खाना क्यों छोड़ दिया? आपकी तबीयत खराब है ना, तो आप ही खाना खा ले, मेरी जिंदगी में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं है, कुछ खाने को दिल नहीं करता, पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरेगी, मैं हैरान हूँ। उसने कहा कि देखो, तुम फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, जब एक ऐसे मर्द से शादी हुई है जिसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो कैसे ठीक होगा सब? आपको पता है मेरे पूरे खानदान में सबसे ज्यादा बुरी किस्मत सिर्फ मेरी है, बाकी लोग जैसे भी हैं कम से कम अपने घर में खुश हैं। उसने कहा कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे खानदान में बहुत बुरा हुआ है, आपने और ज्यादा बुरा करने के लिए मेरे लिए रिश्ता भेजा था। जब पहले से पता था कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत थी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आज मेरे अंदर का तूफान बाहर आ गया, वो चुपचाप मेरी सारी बातें सुनता रहा। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करने के काबिल नहीं थी,
मुझे तुमसे अच्छा मिल सकता था, लेकिन मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? मैंने रोना भी शुरू कर दिया। मैंने कहा कि अपने ताऊजी के पास जाऊंगी तो तुम और तुम्हारे सारे खानदान की शिकायत लगाऊंगी कि तुम लोगों ने मेरे साथ क्या कुछ किया है। मैं कमरे में चली गई और मैंने रोना शुरू कर दिया। रात को ये घर पर नहीं होता था और हमेशा खोया रहता था। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हुआ। सुबह उसके कमरे के दरवाजे की कुंडी बजाकर मैं उसे कहने लगी कि वो नाश्ता कर ले ताकि मैं बाद में उसको दवाई दे सकूं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रहा था। यहाँ तक कि मैंने परेशान होना शुरू कर दिया और दोपहर हो गई, अभी भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। फिर मैं मोहल्ले में से एक बच्चे को बुलाकर लाई और मैंने उसे कहा कि मेरी मदद करे। वो अपने बाबा को बुला लाया जो हमारे पड़ोसी थे। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गई। अशोक इस दुनिया में नहीं था और उसके पास एक पेपर पड़ा हुआ था जो मेरे नाम था। मैंने वो उठाया और जब उसको पढ़ा तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि मैं कभी अपने खानदान का सबसे धनी आदमी था, लेकिन मेरे सारे पैसे कारोबार में डूब गए थे। उन पैसों को वापस निकालने के लिए दर बदर फिर रहा था। फिर मुझे पता चला कि मुझे जानलेवा बीमारी है और मुझे वो पैसे तो मिलने वाले थे, लेकिन मैं खुद इस दुनिया से जाने वाला था। फिर मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। तुम अपने पूरे खानदान की सबसे ज्यादा पिसी हुई लड़की थी जिसके साथ कभी भी अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सारी जायदाद तुम्हें मिल जाए। जब मैंने तुम्हें कहा कि तुम मुझे अपने हाथ से दवाई दिया करो तो उसका और कोई भी मकसद नहीं था, बस मैं ये देखना चाहता था कि तुम इस जिम्मेदारी को लेती हो या नहीं। पर तुमने साबित कर दिया कि तुम वाकई इस सब के काबिल हो। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। जल्द ही वकील साहब तुमसे मिलने आएंगे। घर है, जायदाद है, गाड़ी है, और हाँ, वकील साहब का बेटा तुमसे शादी करना चाहता है जिसे मैंने पहले ही तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया हुआ है। उसी ने ये सब कुछ करवाने में मदद की है। मैंने आज तक तुमको हाथ तक नहीं लगाया क्योंकि मैं तुम्हें दागदार नहीं करना चाहता था। उनके बेटे का नाम महेश है, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुमसे शादी करेगा। तुम भी हाँ कर देना, तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। एक ही झटके में सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारे सारे शिकवे दूर हो जाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं इस खानदान का सबसे बुरा आदमी था, लेकिन इस बीमारी ने मेरी आँख खोल दी। मगर जब मुझे अकल आई तो मेरे पास जिंदगी नहीं थी, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे कितना गलत समझा था। अशोक की 13वीं के बाद वो वकील महेश का रिश्ता ले आया। मैंने उसके साथ शादी कर ली और हम लोग उसी घर में चले गए। घर भी बहुत बड़ा था जो मेरे नाम था। यहाँ कार भी थी, दौलत थी, कारोबार था। महेश खुद भी बहुत अमीर घराने से था। आज मेरे पास इस दुनिया की हर चीज है। सारा खानदान मेरी किस्मत से जलता है। मेरे सारे शिकवे दूर हो गए हैं। जिस ईश्वर से नाराज हो गई थी आज उसी के सामने पढ़कर उसका नाम जपते जपते घंटों गुजर जाता है, लेकिन उसकी कृपा का धन्यवाद नहीं हो पाता क्योंकि मेरे पास सब कुछ है जो शायद और किसी के पास नहीं है। यकीन नहीं आता है कि मेरी किस्मत कैसे पलट गई है, लेकिन परमात्मा का कर्म है। वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। अशोक को सब गलत समझते थे, मैं भी उसे बुरा समझती रही। मैंने उसे बहुत बातें सुनाई, मुझे इस बात का बहुत अफसोस होता है, लेकिन उसके लिए हमेशा रोती हूँ। भगवान से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। मुझे यकीन है कि ऊपर वाला उसके साथ बेहतर करेगा क्योंकि वो बुरा इंसान नहीं था, शायद थोड़ा सा बहक गया था, लेकिन उसके साथ अच्छा ही होगा, मुझे उम्मीद है। और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। अब सारा खानदान मुझसे बहुत प्यार जताने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उनकी असलियत अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए उनकी बातों में नहीं आती। अपने पति के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ और अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।